हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यू पी वी आर डिस्कसिंग क्लास नाइन्स एन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वन एंड वी आर चैप्टर थ्री इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे हम सो so, देखिए हमने स्टार्ट तो कर दिया था ये चैप्टर हमने समझा था व्हाट वाज अ नीड ऑफ इलेक्शन इलेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है क्यों ज़रूरी है स्पेशली एक डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है वो हमने समझा था आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक ठीक है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है क्या ऐसी क्या चीज़ है वो बता वो समझेंगे एंड इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ये आपको समझ में आएगा जो हम आसानी से पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो फॉर दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू थिंग्स एंड आने वाले सेशन में नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर अप कि हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ का इलेक्शन सिस्टम किस तरह से है इलेक्टोरल कॉन्स्टिटुंसीज़ क्या होती हैं रिजर्व कॉन्स्टिटुंसीज़ क्या होती हैं वोटर लिस्ट क्या है नॉमिनेशन कैसे होता है कैंडिडेट्स का कैंपेन कैसे होती है और पोलिंग और काउंटिंग कैसे होती है वोटिंग की फाइनली दीज थिंग्स विल बी डिस्कस यानी कि पूरा जो सिस्टम है हमारे यहाँ का वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एंड व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स यानी कि इलेक्शन के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो लोगों को एक्सेप्टेड भी होने चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन फॉर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ विथ वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक एंड इज इट गुड टू हैव अ पोलिटिकल कॉम्पिटिशन सो देखिए पहले के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या चीज बनाती है इलेक्शन बहुत से तरीके से होते हैं एंड स्पेशली ये जो डेमोक्रेसीज होती हैं डेमोक्रेसीज यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं बट आपने मैंने आपको एक और बात बताई थी कि, कि कुछ नॉन डेमोक्रेसीज भी होती हैं है ना जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं अपने आप को ये शो करने के लिए कि यार हम जो है थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे हैं जहाँ पे मनार्की होगी राजा होंगे वो लोग भी इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं ये ये बोल के कि, कि आप अपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट कीजिए बट राजा का ही रूल चलता है ठीक है तो हम ये कैसे डिस्टिंग्विश्ड करेंगे कि कोई डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है ठीक है तो हमने बहुत से एग्जाम्पल्स दे कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पे इलेक्शंस दे कान रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्योंकि उनको या तो हमने जिसके फर्स्ट आपने जब पिछले सेशंस देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ कंट्रीज़ में इलेक्शंस को टॉन किया जाता है कुछ डर्टी पॉलिटिक्स एंड डर्टी प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो पाते हैं सो सेवरल थिंग्स है ना तो दे आर सम मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कस पहली कंडीशन क्या है कि हर एक पर्सन के पास एवरी वन शुड बी एबल टू चूज यानी कि वन पर्सन वन वोट एंड स्पेशली इस वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए यानी कि एक इंसान के पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए यानी कि वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो वैल्यू इक्वल होगी यानी कि सपोज़ आप एक रिच हो ठीक है आप अपने आप को रिच मान लीजिए दूसरे को पुअर मान लीजिए ऐसे ही होता है सो so, सामने वाला पुअर है आपके पास एक वोट है दूसरे के पास भी एक वोट है ठीक है लेकिन आपके वोट को वो काउंट फाइनल काउंटिंग में इंटू फाइव हो रहा है यानी कि आपके वोट की वैल्यू पाँच है और इसके वोट की वैल्यू एक है तो क्या इक्वालिटी हुई नहीं हुई यही बोल रही हूँ कि रिच के पास अगर एक वोट है तो पुअर के पास भी एक ही वोट होना चाहिए दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ वोट सो एवरी वन शुड हैव वन वोट वन वैल्यू, राइट सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन है देर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम यानी कि कुछ चॉइसेस होनी चाहिए ओके चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट चॉइसेस यानी कि चॉइसेस हो सकती है पार्टीज के बेसिस पे चॉइसेस हो है ना और कैंडिडेट्स के बेसिस पे चॉइसेस हो अगर आपकी कॉन्स्टिटेंसी में सिर्फ एक ही पार्टी जो है उसके ही रिप्रेजेंटेटिव एक ही इंसान अगर खड़े होगा तो वो तो निष्पक्ष जीत जाएगा आपके पास चॉइस नहीं होगी है ना इसीलिए एक डेमोक्रेसी में ये होना ज़रूरी है कि जब इलेक्शन कंडक्ट हो तो इलेक्शन uh, के लिए जो वोट देने जा रहे हैं लोग उनके लिए जो है चॉइस होनी चाहिए है ना एंड पीपल शुड बी फ्री टू वोट वट एवर दे हु दे वॉन्ट टू वोट वॉर एंड पार्टीज़ एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एज वेल इसका मतलब ये भी है यानी कि जो भी पार्टी और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वो कर सकता है इंडिया के एग्ज़ाम्पल समझते हैं ठीक है अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द पार्टी अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है आप कहोगे मुझे और भी आपको आप भी पसंद नहीं है आपको कोई सी पार्टी पसंद नहीं है आपको इनमें से किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है आप कहोगे लेकिन मुझे तब भी लड़ना है क्योंकि आई हैव द राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन आप क्या करोगे आप इंडिपेंडेंट जो है बिना किसी पार्टी के हैं जो आप इलेक्शन लड़ सकते हो लड़ सकते हो आपने देखा होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं तो वो भी इलेक्शन लड़ते हैं है ना तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है

हमारे यहाँ इंटरवल्स यूजुअली जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं हम जनरल इलेक्शंस यानी कि आपके जो एमएलए वगैरह के लिए इलेक्शंस होते हैं एम पीज के लिए होते हैं लोकसभा विधानसभा तो इन जनरल इलेक्शंस में क्या होता है जनरल इलेक्शंस आपके हर पाँच साल में फाइव ईयर्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं सो इन एवरी फाइव ईयर्स यू हैव दिस चॉइस टू चूज फ्राम दिस सर्टन काइंड ऑफ पार्टीज़ आप हर पाँच साल में गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो अगर आपको वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अच्छी लग रही है तो आप उसको फिर से वोट कर दो सो so, इस तरह से एक रेगुलर इंटरवल में भी आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए है ना और कुछ सालों बाद होनी चाहिए चाहे पाँच छः पाँच साल हो छः साल हो जितना भी हो नाउ फोर्थ कंडीशन इज़ स कैंडिडेट प्रेफर्ड बाई द पीपल शूड भी इलेक्टेड यानी कि लोगों ने जिसको प्रेफर्ड किया है वो इलेक्ट होना चाहिए बट आप कहोगे आपका फ्रेंड ए है आप बी हो फिर सी है आपके फ्रेंड ने एक्स को वोट दिया आपने वाई को वोट दिया एंड सी ने जेड को वोट दिया तो आप लोगों की प्रेफ्रेंस तो डिफरेंट है, है ना आप कहोगे कैसे फिर ऐसे सिलेक्शन होगा इसीलिए यहाँ पर आपको किस चीज़ को अडोप्ट किया जाता है मेजॉरिटी को कि जिस भी व्यक्ति को मेजॉरिटी ने वोट दिया होगा यूजुअली 50 प्लस वन ने वोट दिया होगा वो जीत जाएगा सो so इस तरह से सिस्टम चलता है और भी देखिए इलेक्शन के सिस्टम बड़े होते हैं वो आपको अपकमिंग सेशंस में अपकमिंग क्लासेस uh, में uh, समझ में आते जाएंगे इज़ वन प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिसमें प्रेफरेंसेस के बेस पे वोट दिया जाता है एंड हमारे यहाँ जो जनरल इलेक्शन में अडॉप्ट किया गया है दिस इज़ एफ पी टी पी दैट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि मेजोरिटी जिस भी कैंडिडेट को मिली होगी मेजोरिटी ऑफ वोट जिस भी कैंडिडेट को मिले होंगे वो वो जीत जाएगा सो so, इस तरह से पूरा सिस्टम होता है बट प्रेफरेंस उसी व्यक्ति को मिले जिसके पास मेजोरिटी हो जिसको लोगों ने प्रेफर किया हो फिफ्थ कंडीशन इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर जहाँ पे लोग उसको वोट दें जिसको वो चाहते हैं फ्री एंड फेयर मैनर ये चीज़ को एंशोरिटी कौन दे सकता है इस चीज़ को इंश्योर करवा सकता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ना इलेक्शन कमीशन फ्री इंडिपेंडेंट होगा उसके ऊपर किसी भी चीज का किसी पार्टी का किसी गवर्नमेंट का दबाव नहीं होगा तो वो ये चीज इंश्योर करवा पाएगा कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री हैं और फेयर हैं उनमें किसी भी चीज का जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है सो दीज आर द बेसिक कंडीशन दैट यू कैन सी दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये बड़ी सिंपल लगते हैं इजी कंडीशन हैं और बट बहुत से कंट्रीज ये चार पांच जो कंडीशंस हैं उनको ही फुलफिल नहीं कर पा पाते हैं ठीक है दास इलेक्शंस की हम बात करें सो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक होना जरूरी है नाउ यहाँ पे एक बात की जा रही है इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन सो अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन क्या होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक दो तीन जितने भी लोग हैं वो कम्पीट करते हैं आपस में आपके यहाँ ए पार्टी है ए पार्टी का ए कैंडिडेट है बी कैंडिडेट है सी कैंडिडेट है आपस में कम्पीट करते हैं ये देखते हैं किसको ज़्यादा वोट मिले जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा ये क्या है कॉम्पिटिशन ही तो है तो ये एक तरह का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है बड़े ही फॉर्म में होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बहुत ऑब्वियस है कि ये होता है आप, कॉन्स्टिटेंटी कॉन्स्टिटुन्सी लेवल पर ये कंपटीशन है जो बहुत से कैंडिडेट्स के बीच में होता है पार्टीज के बीच में होता है सो so, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस होगा आपने देखा होगा ना कि एक पार्टी इलेक्शन के पहले बोलती है आप हमें वोट दो तो हम आपका जो लोन वेव कर देंगे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल इसी चैप्टर में फिर एक पार्टी होगी वो बोलेगी आप हमें लोन दो तो हम आपके बच्चों को कंप्यूटर्स जो हैं वो गिफ्ट देंगे सो so, इस तरह से लोगों को लोभ दिया जाता है और ये कंपटीशन चलाया जाता है बट बात ये है कि क्या ये कंपटीशन सही है इज़ इट गुड और इज़ इट बैड सो देखिए दिस इज़ वेरी क्लियर कि इसके जो हैं डिमेरिट्स बहुत सारे हैं देखिए पहले तो एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी बनाता है फैक्शंस क्रिएट करता है सोसाइटी में लोकेलिटी में कि कुछ लोग होंगे जो ए को सपोर्ट करेंगे कुछ होंगे बी को सपोर्ट करेंगे कुछ होंगे सी को सपोर्ट करेंगे तो क्या है अगर ये पार्टीज के बीच में जो है सेक्शंस फैक्शंस डिवाइडेड हैं तो फैक्शनिज्म आपको यहाँ पे भी मिलेगा लोगों के बीच में भी सिटीजन्स भी आपके डिवाइड हो जाते हैं तो क्या है? एक डिसयूनिटी अगर ये साथ में एक साथ रहते तो यूनियन होता अगर ये सेग्रीगेटेड है तो दे हैव क्रिएटेड अ डिस यूनिटी हमने देखा था जो लोग हैं बहुत जो कंप्लेन है, करते हैं अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो है पॉलिटिक्स होती है डिफरेंट जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने ही आपस में ही एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहते हैं कभी कभी ये भी बात की जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी जो है जो कंसेंसस है उनमें भी है जो डेमोक्रेटिक वे है वो नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है पार्टीज और कैंडिडेट्स बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए कोई करप्शन लेता है कोई जो है चीज़ लोगों को जो आपस में कैंपेनिंग के वक्त में पैसे बांटते हैं तो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स जो है अपनाई जाती हैं इलेक्शंस के टाइम पे एंड सम पीपल से दैट ये जो प्रेशर है टू विन द इलेक्टोरल फाइट इट डज़ नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड तो देखिए ये जो पॉलिटिकल फाइट है ये पॉलिसीज़ पे इफेक्ट कर रहा है सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर इं टू दिस इनरा बिकॉज कुछ लोग जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपने डर्टी ट्रिक्स करके जीत जाते हैं सो so, जो लोग हैं जो डिजर्विंग हैं एंड हु आर विशिंग हु आर विशिंग टू सर्व द कंट्री वो थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं कि यार हमें इस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रॉब्लम पता थी इसके बाद भी हमने फ्री कॉम्पिटिशन जो है इलेक्शन सिस्टम में अडॉप्ट किया uh, क्यों क्योंकि ये लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छे से काम करता है एक आइडल पॉलिटिकल वर्ल्ड में सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता होता है क्या सही है लोगों के लिए क्या uh, गलत है लोगों के लिए एंड uh, एक आइडल पॉलिटिकल वर्ल्ड में लीडर्स जो होते हैं दे आर मोर दे हैव दिस मोर डिज़ायर टू सर्व ट्रू फॉर द पीपल राइट सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इट्स नॉट नेसेसरी सच एन आइडल वर्ल्ड सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ज़रूरी नहीं आइडल वर्ल्ड में हो लेकिन इन रियलिटी में होता है सारे लीडर्स आप किसी भी जगह पे इलेक्शन देखेंगे वहाँ पे आपको ये मिलेगा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मिलेगा ऑल द लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल द प्रोफेशनल्स दे आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर इन एडवांस ऑफ पॉलिटिकल करियर्स हर एक इंसान को अपने करियर की पड़ी होती है चाहे वो पॉलिटिकल करियर हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो उनको क्या है एक बार पावर में आ गए एक बार गद्दी मिल गई तो वो गद्दी छूटनी नहीं चाहिए तो उसके लिए देखें गो टू बियंड लिमिट्स और वट्स एवर इट इज़ सो वो ऐसा नहीं है कि लोगों को सर्व नहीं करना चाहते दे वॉन्ट्स टू सर्व ट्रू द पीपल बट एट द सेम टाइम उनकी जो चेयर है वो बनी रहे उनकी पावर जो है वो उस पर रहे वो भी चाहते हैं सो so, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस केस में वो ऐसे काम कर जाते हैं जो लोगों को ना ही चाहिए हों सो रियल लाइफ में इन सारी सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए पहला के नॉलेज और कैरेक्टर पोलिटिकल लीडर्स का उसको इम्प्रूव करूँ दूसरा कि रियलिस्टिक वे में सोचा जाए उनको रिवॉर्ड किया जाए या फिर पनिश किया जाए यानी कि रिवॉर्ड कैसे किया जाए कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड कर दो उनको रिवॉर्ड दे दो और अगर उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं किए तो पनिश दे दो सो so इसको ये कैसे करेंगे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स कौन डिसाइड करेगा ये लोग डिसाइड करेंगे और हम करते भी हैं हमने दिए हैं उनको पाँच साल पाँच साल के लिए इलेक्ट किया है पाँच साल में अगर आपने काम नहीं किया जो आपने प्रॉमिस किया था तो हम आपको निकाल देंगे यानी कि यहाँ पे जो वोटर्स की सेटिस्फैक्शन है वो इंपॉर्टेंट है लोग सेटिस्फाई हो गए उनके टर्म्स से तो वो नेक्स्ट पाँच साल के लिए आपको इलेक्ट फिर से कर देंगे अगर नहीं हुए तो नहीं करेंगे ठीक है सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स है ना मार्केट भी ऐसे ही काम करता है सो शॉपकीपर के यहाँ पर एग्जाम्पल दवा है इफ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रॉफिट उसको अच्छा क्वालिटी कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी है ना जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हों दोबारा आए अगर वो कस्टमर्स के कस्टमर दोबारा उस शॉप पे नहीं जाएंगे तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा है ना तो इसी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन है कि उन्होंने जो प्रोमिस किए हैं वो उनको फुलफिल करने पड़ेंगे प्रोमिस को उनको क्या करना पड़ेगा फुलफिल करना पड़ेगा तब जाके उनको नेक्स्ट बार फिर से वोट मिलेगा so, तो यहाँ पर देखिए कार्टून में समझाया गया है मेरे पास ये योजनाएँ हैं घोषणाएँ हैं वायदे हैं तो यहाँ पर ये सिटीजन है वो बोल रहा है मेरे पास वोट है सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन आज के सेशन में हमने समझा कि वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक एंड इज़ इट गुड टू हैव अ पोलिटिकल कॉम्पिटिशन सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइज

देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे सो तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी लिए परफेक्ट ऐप है सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच